It's a privilege to introduce our next speaker, Mr. Gaurav Khanna. As an edutainment content creator and dynamic motivational speaker, he has... ये तालियां इनके खत्म होने पे बजी हैं, मेरे स्टार्ट पे बजी हैं। अच्छा देखो, मेरे माइक लेते ना लोग कॉन्शियस हो गए, फिर गड़बड़ करेगा, है ना? Because this is what I'm known for. एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गर्ल्स कैन ऑल्सो आंसर वेरी इजीली बिकॉज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? नहीं, मैं तो बहुत तारीफ करता हूँ गर्ल्स की, मतलब सीरियसली, मेरी पूरी जिंदगी में एक ही इच्छा मेरी भगवान ने पूरी करी है कि आई ऑलवेज वॉन्टेड अ बेबी गर्ल, कि मेरा मेरी डॉटर होनी चाहिए, एंड नाउ आई एम अ प्राउड फादर ऑफ अ डॉटर एंड शी इज ऑब्वियसली वेरी ब्यूटीफुल, मेरे पे गई है ना इसलिए, थैंक गॉड वो मेरे पे गई है. अच्छा, एक छोटा सा, हाँ हाँ भेजे हम, वो भी एक्सेप्ट करती है. एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि इफ आई हैव टू गो टू आगरा फ्रॉम हियर, राइट, सो हाउ विल आई गो इफ आई वांट टू गो बाय माय कार, तो मैं कैसे जाऊं आगरा, मुझे कोई बता पाएगा अगर मुझे रोड से जाना है तो? वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्सप्रेस हाईवे पे है ना. मैम यू आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट, गुड, आपने सही हाथ खड़ा किया था. अच्छा देखो, एक्सप्रेस हाईवे पे मैं आ गया, है ना, गाड़ी मैंने वहां पे अपनी स्टार्ट कर ली, बेल्ट लगा ली और सब कुछ रेडी कर लिया. अब मैं एक्सप्रेस हाईवे पे खड़ा होके ऐसे देख रहा हूं आगरा, विल आई बी एबल टू रीच, मेरे को ताजमहल दिख जाएगा ऐसे? सो दिस इज व्हाट वी डू ऑन इन आवर पर्सनल लाइफ, हमने एक टारगेट बना लिया, अब हम कर कुछ नहीं रहे हैं, जस्ट वी आर ब्लोइंग आवर ओन ट्रम्पेट और हम सोचते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम ऐसे आगरा में ताजमहल ढूंढ रहे हैं दिल्ली में खड़े होके. वी हैव टू कवर दैट जर्नी, हर एक डेस्टिनेशन की कोई ना कोई डिमांड्स होती है. The people who fulfill those demands will reach their destination. Nobody can stop them. But by just, building castles in the air, we are not going to reach our destination. We are not going to get anything. So I think in action is the strength. Ye chahe entrepreneurship ho ya kuch bhi ho life mein. Whether it is about maintaining your own personal relations. Kuch bhi ho zindagi mein, agar uski jo demands hain, hum unko fulfill nahin karte, jo ke generally log nahin karte. Jo fulfill karenge, वो पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे. इन वन ऑफ द कपलेट्स संत कबीर आल्सो सेड, हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए, हमारे स्कूलिंग में रही हैं कबीर साहब के दोहे. आजकल तो रील्स का जमाना है तो बहुत ऐसी चीजें मिल जाती हैं, गुल्ले शाह की काफियां मिल जाती हैं, तो उनको पढ़ के उनको समझ के वी मस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. अब उनका दोहा तो हमने स्कूल्स में पढ़ा ही है कि कथनी मीठी खांड सी करनी विश्ति लोए, कथनी तजय करनी करे तो विश्व से अमृत होए, तो इन्होंने दो लाइनों में कितना अच्छा समझा दिया हमें. So we have to do the action. In action is the strength. Speaking is actually hollow. बोलने में कुछ नहीं जाता, कितना ही बकवास कर सकते हैं जिंदगी में. अब मैं यहाँ पे आया, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को आप सब लोग बहुत पसंद आए, सबके नाम एक एक तारा रात को तोड़ लेना. आप बोलोगे सर हम ना एहसान नहीं लेते, अमेरिका आपके नाम, जाओ आप भी क्या याद रखोगे. मैं बोलूंगा ठीक है मून और सन आप ले लो. तो बोलने में जितना फालतू बोल सकते हैं बोलते हैं, लेकिन करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए. इन एक्शन इज द स्ट्रेंथ. जो भी हमारी फील्ड हो, वेदर दैट इज एनी फील्ड, उनके जो मास्टर्स हमें बताते हैं, अभी सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई, जो इनका प्लान और फेल वाला जो डायलॉग था, रियली अप्रिशिएट दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा. शायद काश मैंने मैरिज से पहले सुन लिया होता तो मैं आज बच गया होता. सो व्हाट आई मीन टू से इज फाइनली कि इन एक्शन इज द स्ट्रेंथ. हमें एक्शन पर ध्यान देना चाहिए, हम बोलते रहते हैं बट एक्शन कम करते. देखिए दो तरह के लोग होते हैं, राइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक वो जो कर्म करते हैं, दूसरे वो जो शर्म करते हैं. शर्म करेंगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे. आइडियाज भगवान सबको देता है, ही सेड वेरी करेक्टली, सबके मन में आइडियाज आते हैं. देखो क्रिएटिविटी क्या है, अब लोग मुझे बोलते हैं सर आप बहुत क्रिएटिव हो, आइडियाज कहां से आते हैं? मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स करते हैं, मेरी वीडियोज पे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं, मेरे पॉडकास्ट में भी लोग यही सवाल करते हैं कि आइडियाज आते कहां से. अब मैं यहाँ पे बैठा था, मुझे थोड़ी पता था मैं प्रैंक करूंगा पानी वाला, ही गिव्स. क्रिएटिविटी हमारे हाथ में नहीं है, आप जैसे हो वैसा, आपने जैसे बहुत अच्छी चीज बोली कि आपको नेचर वैसा चीजें देगा. और भगवान सबको बराबर देता है, वो कोई इंसान नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता, रत्ती भर भी नहीं, वो फेल भी नहीं हो सकता, इज परफेक्ट, वो सबको आइडियाज देता है. अब उस आइडिया को कुछ लोग कर्म कर लेते हैं और कुछ लोग, बहुत सारे लोग शर्म कर लेते हैं. तो जो शर्म करेगा वो कभी आगरा नहीं पहुंचेगा, जो कर्म करेगा गाड़ी चलाएगा, सीट बेल्ट लगाएगा, फ्यूल भरेगा, टायर्स का ध्यान रखेगा, रस्ते में जो साइन बोर्ड्स आएंगे उनको फॉलो करेगा. साइन बोर्ड्स क्या है, ये जो ग्रेट लोग बैठे हैं, मतलब मुझे मिला के, ठीक है. ये आपको साइन बोर्ड्स दे रहे हैं, आपके कई डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे.
आपको पता नहीं आगे ब्रेकर आ रहा है, तो जो लोग वहां से होके आ गए हैं उनको पता है कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। मेरा एक बारी प्लान था आगरा जाने का, बहुत परेशान हो गया था, सोचा था वाइफ को छोड़ ही आऊंगा इस बारी, राइट, हंसना था इस पे यार। तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया, कहता है सर जब आप आगरा जाएंगे ना, तो मैं प्लान कर रहा था ताजमहल जाने का, तो उसने बताया कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस डलवा के जाइएगा अपने व्हील्स में, मतलब गाड़ी के व्हील्स में, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उस नॉर्मल गैस की वजह से। अब देखो वो बंदा होके आया, उसको इस चीज की नॉलेज है, तो ये साइन बोर्ड है लाइफ का। ऐसे ही अभी आपको प्रोफेशनल साइन बोर्ड जो ये ग्रेट पीपल दे रहे हैं, अगेन इंक्लूडिंग मी, ठीक है, तो वो ध्यान में रख के अगर हम कर्म करेंगे तो डेफिनेटली हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, सूनर और लेटर। कबीर साहब ने कहा था जो चल रहे हैं वो पहुंचेंगे, चाहे लड़खड़ा के चल रहे हैं वो भी पहुंचेंगे, भागने वाले जल्दी पहुंच जाएंगे, लड़खड़ा के चलने वाले थोड़ा देर से पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचेगा जो चल ही नहीं रहा है। सो वी नीड टू कन्वर्ट एवरी फिलोसफी into action. Again, in action is the strength. अब एक पेड़ है, ठीक है, मैं ना examples बहुत लेता हूँ, right? तो उससे मुझे लगता है अच्छा समझ में आता है, हम लोग teachers है ना बहुत भूलते हैं, ठीक है, तो एक पेड़ है, बड़ा common sense का question है, if I have to water the tree, मैं चाहता हूँ वो पेड़ जिंदा रहे, तो मैं उसके पत्ते पत्ते को पानी दूंगा या जड़ में पानी डालूंगा? जड़ में डालूंगा obviously, है ना, ये तो गधा भी ढेंचो ढेंचो करके बता सकता है, इतना easy question है ना। अब लेकिन हम लोग अपनी personal life में ऐसा नहीं करते, जिस भी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहे या एंटरप्रेन्योरशिप हो या कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं करते। जड़ क्या है? जड़ है आपका अंदर से संतुलन में होना। अगर आप हैप्पी नहीं, आप कंटेंट नहीं, आप कंटेंट नहीं है, कंटेंट तो वो हो गया कंटेंट, राइट, कंटेंट संतुष्ट नहीं है, अगर आप अंदर से खुश नहीं है, आप संतुष्ट नहीं, आप कूल एंड काम नहीं है, तो आप कुछ भी करेंगे ना उसमें जहर आएगी। इसलिए बोलते हैं कि जब खाना बनाए तो अच्छे मन से बनाएं, ऐसे बनाएं जैसे आप प्रसाद बनाते हैं। किसी मंदिर गुरुद्वारे में जब बनता है तो शब्द चलते हैं, कीर्तन होता है, तो वो प्रसाद कितना हमें स्वाद लगता है। खाने पीने का काम खुशी खुशी करा जाए, किसी को खिलाएं तो ऐसे ही खिलाएं जैसे आप प्रसाद दे रहे हैं, लंगर दे रहे हैं, और खाएं भी कहीं पे तो ऐसे ही खाएं जैसे आप प्रसाद खा रहे हैं, उसकी भावना जो भी हो देने वाले की। सिमिलरली इन लाइफ अगर हम अंदर से खुश रहेंगे, ईमानदार रहेंगे अपने प्रोडक्ट को लेके, जो आप वर्ड यूज कर रहे थे प्रोडक्ट, तो उसके अंदर आप ईमानदारी से जो भी करेंगे ना वो चीज फ्रूटफुल रहेगी, वो दिखेगा। कस्टमर कोई आजकल पागल नहीं है कि आपने कुछ भी बोल के चेपा और वो उसको हो जाएगा, नहीं। आजकल के कस्टमर्स, और सोशल मीडिया का जमाना है, लेबल्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने पढ़ा था एक्सपायरी वाला, ठीक है। तो लेबल्स पढ़ते हैं, तो बहुत अवेयरनेस है। तो अगर आप अंदर से अच्छे हैं, साफ हैं, क्लियर हैं, आप जो भी करेंगे वो फ्रूटफुल होगा, आप जो भी करेंगे वो अच्छा होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो हम जानते होंगे, चाहे हमारी मदर्स हों या बुआज हों, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके हाथ में कुछ भी दे दोगे ना, जो भी बनाएंगे वो स्वाद ही बनेगा, और हम लोग हैरान हो जाते हैं यार इनके पास तो इतने सोर्सेज भी नहीं थे, आज तो ये मसाला नहीं था, आज तो वो चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया। सिमिलरली इन लाइफ ऑल्सो, वट एवर यू डू, अगर आप उसको ईमानदारी से करेंगे, ऑनेस्टी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो जड़ वाला पॉइंट है। अच्छे इंसान होंगे तो हम जो करेंगे हम अच्छा करेंगे, हम एक स्पीकर होंगे तो हम अच्छे स्पीकर कहलाएंगे, अगर हम पिता बनेंगे तो हम एक अच्छे पिता होंगे, अगर हमने जड़ अच्छी कर ली। जड़ क्या है? अच्छे इंसान होना। तो दिस इज व्हाट आई फील कि वी मस्ट बी अ गुड ह्यूमन टू बिकम एनीथिंग इन लाइफ। सर मैं थोड़ा इस तरफ चला जाता हूँ, ह्यूमैनिटी की तरफ, तो मैं इस पे बोलूंगा एआई पे कि व्हेन आई गेट एंग्री एट माय वाइफ समटाइम्स, ऑल्दो आई डोंट डेयर, तो मैं उसको बोलता हूँ ए, वो बेलन लेके कहती है आई, ठीक है, सो दैट बिकम्स एआई। वेल जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि एआई जब तक एक टूल है तब तक वी आर बीइंग बेनिफिटेड, एंड व्हेन इट बिकम्स अ कैप्टन वो फिर कहानी उलट जाएगी, एंड आई थिंक इट्स नेवर गोइंग टू बी द कैप्टन, क्योंकि ह्यूमन ने जो बनाया वो ह्यूमन से छोटा ही रहेगा। आर्टिस्ट हमेशा बड़ा है, आर्ट उसके कंपैरिजन में छोटा है, वो उसके उससे भी बड़े आर्ट बहुत बना सकता है। अब नुसरत साहब ने जो गाने गाए हम लोग मस्त हो जाते हैं, झूम जाते हैं, जो पिकासो ने जो पेंटिंग्स बनाई, या फिर और भी जो लोग हैं जो आर्टिस्ट है, उनकी कला जो उन्होंने बनाई जो हमें दीवाना कर देती है, वो उससे और भी नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं, वो तो रिजर्वायर ऑफ दैट आर्ट है। तो एआई बनाया तो इंसान ने, सो आई डोंट थिंक ये कभी भी इंसान को छोटा करेगा, इंसान हमेशा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि दैट इज द टॉप मोस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड अकॉर्डिंग टू ऑल द स्क्रिप्चर्स, और टॉप मोस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इज ह्यूमन, नॉट एआई, एंड इट विल नेवर बी, आई थिंक। सो वी विल ऑलवेज बी गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दीज ऑल टेक्नोलॉजीज।
Gaurav sir, you have more than 500,000 followers on your Instagram handle, and you can see everyone, every youth in today's generation is going into the field of youth entrepreneurship and in the field of content creation. So what role do you see is content creation playing in shaping the narrative around youth entrepreneurship? डेफिनेटली कॉन्टेंट क्रिएशन इज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल. आप जो भी कुछ करते हैं, लाइक मेरे साथ जो यंगस्टर्स जुड़ते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, आप कुछ भी करते हैं उसका एक स्मॉल पीस ऑफ कॉन्टेंट जरूर बना के डालें. तो उससे क्या होगा कि आपको पता नहीं है फ्यूचर में कौन सी चीज आपको कहाँ हिट कर दे, आपको कहाँ ले जाए. जैसे आपका हाईवे जो है वो मेन, जो भी आपकी फील्ड है वो आप उसको मेन हाईवे रखें, लेकिन एक सर्विस लेन की तरह कंटेंट क्रिएशन में जरूर इन्वॉल्व होए. यू नेवर नो व्हेन दैट सर्विस लेन मर्जेस इनटू द मेन हाईवे एंड इट बिकम्स योर मेन थिंग एंड इट टेक्स यू मे बी, जो आपने सोचा भी ना हो कभी. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सीडेंटली आते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ. मैं एक्सीडेंटली ही आया इस फील्ड में और अभी बहुत अच्छा करो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मे बी जितना कर रहा हूँ उससे आगे ही जाएंगे. नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं. मुझे ये लगता है कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. जो मेरे हाथ में नहीं है मैं वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा. रिजल्ट नेवर लाइज इन माई हैंड्स, एक्शन लाइज इन माई हैंड्स. एक्शन मेरे हाथ में, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है. तो एक्शन मुझे करना है, I have to focus on action. वो दूर से ऐसे ताजमहल नहीं दिखेगा, मुझे गाड़ी चलानी है. तो मैं आई एम मोर फोकस्ड ऑन माई एक्शंस. और यस, कंटेंट क्रिएशन इज अ मस्ट. अगर हम प्रेजेंट टाइम को देखें वो जरूर करनी चाहिए. इतना ओवर बर्डन लेके नहीं, मेरा तो काम ही वही है इसलिए मुझे तो आई हैव टू टेक दैट बर्डन आल्सो. लेकिन जिन लोगों का काम नहीं है उनको छोटा छोटा कुछ भी एक साइड बाय साइड वो चीज जरूर करनी चाहिए. डेफिनेटली इट इज अ मस्ट फॉर प्रेजेंट यूथ जनरेशन. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी सर ने बोला कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो इनको मतलब प्रॉब्लम्स आई. मुझे ऐसा लगता है कि तीन तरह के लोग होते हैं जिंदगी में. अब थोड़ा सा सीरियस बता रहा हूँ मैं चीज. एक वो लोग होते हैं जो कभी जिंदगी में सीखते ही नहीं है. उनके साथ कुछ भी हो जाए वो दे विल रिपीट देयर मिस्टेक्स. वो मिस्टेक्स रिपीट करते रहेंगे. और ऐसे लोग दूसरों को भी परेशान करते हैं, अपने सराउंडिंग्स को भी. दूसरे तरह के लोग होते हैं समझदार लोग, बहुत सियाने लोग होते हैं जो दूसरों की मतलब जो गलतियां वो कर रहे हैं खुद उससे वो समझते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते. और तीसरी कैटेगरी होती है सबसे बेस्ट कैटेगरी, चतुर सियाने. उनको मैं बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, वो चतुर भी हैं, चलाक भी हैं और सियाने भी हैं. वो कैसे लोग होते हैं जो अपनी गलती से नहीं ठोकर खा के सीखते, वो दूसरे की गलती से सीख लेते हैं, अपनी ठोकर भी उनकी बचती है. तो सर ने जो चीज़ बताई, अगर हम इनके एक्सपीरियंस से सीख कर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारी अपनी ठोकर बच जाएगी. अब अगर गड्ढा है, कोई गिरा उसमें, उसको चोट लगी, मैं खुद समझ जाऊँ तो उसकी चोट से सीखूंगा तो मेरे को चोट नहीं लगेगी. अब ये तो नॉनसेंस हुआ ना कि मैं बोलूंगा नहीं मैं भी गिरूंगा, सर फटाऊंगा अपना, फिर सीखूंगा. व्हाट वी डू इन आवर पर्सनल लाइफ इज दिस. तो मुझे लगता है वी हैव टू बी इन द थर्ड कैटेगरी, दूसरे की चोट से सीख लेंगे. बट कौन सीखता है यार, सभी देख रहे हो शादियां कैसी होती है, फिर करते हो ना, कोई नहीं सीखता. जस्ट अ जोक. सब कुछ ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बचे तो ये, you know, ये यही मैं बोलने था. इस बात का सबूत है कि हमने बहुत अच्छे से आज की क्राउड को केटर किया. देखा हाउ गुड वी आर. गौरव खन्ना जी सर, आपका जो ह्यूमैनिटी का अंडरस्टैंडिंग है दैट इज आउटस्टैंडिंग. वी थैंक यू.